So hello everyone, hope you are doing well and keep yourself safe in your home. Here I am Karan and I am from Delhi. Today I got this beautiful apron that Fabina Group has given to me. Yeah, it's a Fabina Group who is organizing the second season of online cooking competition during India ka second MasterChef Union Clan through online in this scenario, which is lockdown. And I am glad that I got this opportunity to showcase my talent on a such a big platform that Fabina Group has given to me. And for this, I'm gonna make the Rajbhog, जो कि एक बंगाल का काफी famous और एक काफी rich dessert है. And उसके अंदर मैं एक अपना twist देने वाला हूँ, जो कि है कच्ची हल्दी. हाँ, कच्ची हल्दी का flavour मैं अपने Rajbhog में देने जा रहा हूँ. So ये काफी interesting होने वाला है. चलिए देखते हैं कैसे बनता है. And before start cooking, let's sanitize my hand from hand sanitizer. Keep yourself hygiene. तो Rajbhog बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध गर्म करना है. कम एक बॉइल तक आने तक उबालेंगे. दो कप चीनी और डेढ़ कप पानी. पकने लगा है, अब हम इसमें अपने कच्ची हल्दी का जूस डाल देंगे. जो मैंने कच्ची हल्दी को पहले ग्रेट करके उसको स्क्वीज कर लिया था, जिससे राजभोग के अंदर एक नया फ्लेवर और एक नया ट्विस्ट आएगा. और इसको एक बॉइल तक आने देंगे. सो हमारे दूध में बॉइल आ चुका है. इसमें मैं अपना विनेगर डालने वाला हूँ और ये दूध के वेग को और फैट को सेपरेट कर देगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा छेना बनने वाला है और हमारा छेना येलो बनेगा, क्योंकि हमने इसमें कच्ची हल्दी का यूज करा. दूध का फैट बिल्कुल अलग हो चुका है. अब मैं इसको स्ट्रेन करने वाला हूँ मसलिन क्लॉथ से. वेरी केयरफुली अपने छेनों को अच्छी तरीके से साफ कर लें और इसके अंदर हाथ तक भी डालें जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाए, नहीं तो आप जल सकते हैं. छेनी में से अपना सारा पानी निकाल लेना है. जैसे ये धुल जाता है उसको अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे. ये राजभोग बनाने का सबसे मेन स्टेप है कि आपका छेना अच्छी तरीके से स्क्वीज होना चाहिए. इसमें बहुत ही कम मॉइस्चर होना चाहिए. तब तक हम अपनी चाशनी पे ध्यान देते हैं. ऑलमोस्ट पक चुकी है. इसके अंदर मैं सैफरन डालने वाला हूँ और थोड़े से कार्डमम पॉट्स, जो कि फ्लेवर देंगे एक अच्छा सा. और ये चाशनी हमें एक तार से कम की बनानी है, मतलब एक तार से पहले ही उतार लेनी है गैस से. उसको ट्राई करके आप देख सकते हैं. मैं ट्राई करने जा रहा हूँ. बस थोड़ी सी और कर पहले चाशनी बनने में कुछ मिनट और, फिर गैस बंद. चाशनी बन चुकी है, इसको मैं गैस ऑफ कर देता हूँ. उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में. बाहर अपने छेने को हो चुके हैं, इसको खोल कर देखते हैं कि कैसा होता है. देखिए अपना छेना कितना ब्राइट येलो आया है. उसके अंदर बहुत कम मॉइस्चर है, जो हमें चाहिए था कि मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए. और राजभोग बनाने का सबसे सेकंड मेन प्रोसेस ये होता है कि हम छेने को अच्छी तरीके से नीड करें. उसका नीडिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करी जाती है. मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे होती है. कि अपना पाम लो, पाम को छेने के नीचे रखो, इसको आगे की ओर स्ट्रेच करना होता है. देखिए ऐसे. और इस प्रोसेस को हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट तक करना है, जब तक आपका छेना बिल्कुल एक सॉफ्ट टेक्सचर में ना आ जाए. इसमें आपको 12 से 15 मिनट भी लग सकते हैं. तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा छेना अब सॉफ्ट टेक्सचर में आने लगा है. इसको मैं अभी थोड़ा सा और नीड करूँगा. इसको अभी नीड करने की और ज़रूरत है कि और बिल्कुल इसका एक क्रीमी टेक्सचर लाना है. तो अपने छेने को नीड करते करते 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी वाला हो चुका है. और अब मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा इस अपने छेने को. हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, इनको रखते हैं साइड में और अपनी स्टफिंग की तैयारी करते हैं. मैंने पिस्ता को रफली चॉप कर लेंगे ताकि जब हम राजभोग खाएंगे तो एक हल्का सा बाइट आए जो नटी फ्लेवर देगा. भोग को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ाएंगे. इसमें हम 2 बड़े कटोरे पानी लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप हम शुगर डालेंगे और इसको तेज गैस पे पकने देंगे फर्स्ट बॉइल.
तो मेक श्योर कि आपकी जब वो बॉल्स आप बनाओ तो उसके अंदर एक भी लेयर नहीं होनी चाहिए, कहीं से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बॉयल होते टाइम फट जाएगा। एक अच्छी सी आपको राउंड शेप देनी है अपने राजभोग की। मैंने एक एक करके पानी में डाल देते हैं केयरफुली। और आपको लग रहा होगा कि अभी इतने छोटे छोटे बॉल्स क्यों हैं, क्योंकि जैसे ये पानी में जाएंगे और ये जैसे ही ये बॉयल होंगे तो इनका साइज डबल हो जाएगा। गैस मीडियम लो, इसको 10 से 12 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे राजभोग मीडियम लो गैस पर पक रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए इसमें मैं सैफरन वाटर डाल रहा हूँ, जिसको मैंने सैफरन को 10 से 12 मिनट के लिए वार्म वाटर में रखा हुआ था। इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। इसको आराम से स्लाइटली तरीके से स्टर करना है। मेक श्योर कि ये फटे ना, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है इस टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे राजभोग कितने अच्छे से फूल के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी गैस ऑफ कर देते हैं और इनको ट्रांसफ़र करेंगे अपनी चाशनी में जो हमने पहले से बना कर रखी थी। ध्यान से, ये बहुत डेलिकेट है अभी भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जैसे राजभोग हमारे पानी में फ्लोट कर रहे थे ऐसे ही चाशनी में फ्लोट कर रहे हैं। इन्हें तकरीबन हम 5 से 6 घंटा चाशनी के अंदर ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये सारी चाशनी अपनी अंदर सोख लें, एंड देन फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सो तकरीबन हमारे राजभोग को चाशनी के अंदर रहते हुए 6 घंटे हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका साइज और थोड़ा सा डबल हो गया, जैसे इनके अंदर चाशनी भर चुकी है। सो अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। आप जैसे कि आप इनका कलर देख सकते हैं जो कच्ची हल्दी के साथ आया था, और जो सैफरन का जो कलर है ब्राइट येलो,